नमस्कार, आप देख रहे हैं किन्नी टाइम्स। तो नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। अक्सर लोग किसी न किसी वजह से सुर्खियों में बने रहते हैं। कुछ का कारण हैरान कर देने वाला होता है तो कुछ का कारण मजेदार भी होता है। अब जो खबर सामने आई है उसको जानकर हर कोई हैरान हो रहा है, साथ में लोग अपने लाइक्स और कमेंट्स द्वारा रिएक्शन भी दे रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि कनाडा में एक जमी हुई नदी पर गाड़ी चलाते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गई एक महिला ने एक अजीबोगरीब वजह से दुनिया भर में सुर्खियां बटोर ली हैं। चर्चा में आने का कारण सिर्फ यह है कि वह उस दौरान सेल्फी ले रही थी। आपको बता दें कि ये वीडियो तेजी से इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। दरअसल जब उसकी कार बर्फीले पानी में डूब रही थी तो उस दौरान वो महिला कार के ऊपर चढ़कर सेल्फी ले रही थी। एक रिपोर्ट के अनुसार रविवार दोपहर को उपनगर मोनोटिक में रेडियो नदी में जमी बर्फ के नीचे उसकी गाड़ी डूबने लगी तो उस महिला को उसकी पीली कार के ऊपर खड़े होकर सेल्फी लेते हुए देखा गया था। जहां स्थानीय लोग उसे बचाने के लिए परेशान होने लगे, वहीं बेफिक्र महिला शांति से तेजी से डूबती कार के ऊपर खड़ी होकर सेल्फी ले रही थी। वीडियो में एक महिला कार के ऊपर दिखाई दे रही है। इस दौरान लोग उसे बचाने के लिए एक कश्ती लेकर आए। फिर एक पोस्ट सोशल मीडिया पर देखने को मिला जिसमें उन्होंने तस्वीर शेयर की और लिखा, उसने सेल्फी के साथ उस पल को कैद कर लिया। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए किन्नी टाइम्स के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।